सो है गाइस, दिस इज लपकोस। सो आज था आपका सी ए फाउंडेशन दिसंबर 2021 का लास्ट एग्जाम, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड बीसीए के कुछ क्वेश्चन के आंसर के बारे में। सारे क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, जो बच्चे लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन भेजे हैं उसका ही आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड, इसमें ऑप्शन चार थे बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर वो है मुंबई। अब आपका जहां पर भी ये ऑप्शन होगा, ए में, बी में, सी में, डी में, वहां पर आप अगर मुंबई किए होंगे तो आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट रैंक कंपनी ऑफ ऑप्स 500 एज पर 2019, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में था कि नहीं एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा कि बोला है सर ये है, और दूसरे बच्चे ने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं थे, तो आप बता सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पेपर में था, आई कैन गारंटी कि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजे हैं। सो इज यूटिलिटी अ कार्डिनल और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, तो यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है ना कि कार्डिनल। सो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये सब आप एकदम सही सही किए होंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिला होगा, तो आई होप आप सब लोगों ने एकदम जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर किए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपके जहां पर भी था ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में, जहां पर भी आप लोग इसे सही किए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स गिवन बाय, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स गिवन बाय, और आपके पास चार ऑप्शन होंगे बट मेरे पास चार ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है। ये भाई साहब का नाम है, इसका ही नाम हमसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, जेम्स तो है, उसके बाद क्या है आप लोग खुद समझ लेंगे, जहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा वही आपका आंसर होता, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट, मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट में भी आपके पास चार ऑप्शन थे, इसमें आपका कैडबरी भी था, अमूल भी था, बट जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ITC, करेक्ट आंसर आपका ITC। उसके बाद रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसमें आपका चार ऑप्शन था, वो वॉलमार्ट की था और एक दो भी क्वेश्चन थे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लिपकार्ट। रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का करेक्ट आंसर है आपका फ्लिपकार्ट, ये 2007 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और बाकी जो ऑप्शन में दिए गए थे वो सब बहुत ही पुराने पुराने कंपनी थे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए, विच बैंक अचीव मिलस्टोन ऑफ यूजिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन अक्टूबर 2019, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग इसे जरूर से सही किए होंगे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राइवेटलाइजेशन मे नॉट बी कॉन्सेप्टलाइज इन फॉर्म्स ऑफ, आपके पास ये चार ऑप्शन थे, हाँ इसका चार ऑप्शन आपको मिलेगा और इसका आंसर भी मिलेगा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ना तो मेरे पास क्वेश्चन है और ना ही आंसर है, जब क्वेश्चन नहीं होगा तो आंसर कहाँ से आएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, तो इसका करेक्ट आंसर है कीनेस, इसके अनुसार ये सब बताया गया था, यही भाई साहब है इकोनॉमिक्स्ट। सो गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन याद है, एक भी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, एक भी क्वेश्चन याद है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में
आप वो क्वेश्चन लिख दे, उसके बाद उसके ऊपर नेक्स्ट जब मेरे पास 10 और क्वेश्चन आ जाएगा तो 10 क्वेश्चन मिला के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो ये आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर में नहीं था। अगर ऐसा कोई है कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बताया जो क्वेश्चन पेपर में नहीं था, तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।